मगर मैं बोलता तो गारंटी कैसे पा गई कारण पे की गारंटी कुछ दी गारंटी है ना ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ पे लास्ट ईयर भी ऐसे ना पेरेंट्स ने बोला कि आप नहीं होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आप फिर से कर रहे हैं। हाँ सर क्या हुआ वो टाइम साथ ही वो पेरेंट है वापस वो कैसे बना वापस ले क्या है आप कैन आई बी श्योर कि यहाँ से जाके ये फिर से स्टंट नहीं करेंगे? हाउ कैन आई बी श्योर कि यहाँ से जाके ये बच्चे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करेंगे? हाउ कैन आई बी श्योर? क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट ने बोला कि 18 साल के बाद ये जनाब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो 18 साल तो दूर की बात है, पहले से ही तो आपका कंट्रोल कहीं पे है ही नहीं। 18 तो दूर की बात है, यहाँ तो 10 साल के बाद ही आपने अपना कंट्रोल छोड़ा है। यू हैव ऑलरेडी गिवन अप, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बच्चा ठीक से बिहेव करेगा जब आपने इसको कभी करेक्ट किया ही नहीं, जब आपने कभी इसको सही तरबियत दी ही नहीं कि करना क्या है न किस तरीके से करना है, दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। बस अरे चाक्रस क्यों चाक्रस घंटे बाद ना दो बाद सुन पर ना फिर आपने कभी गवारा नहीं किया कि इसे पूछना कि ना कहाँ जा रहा है ऐसी बच्चे गलती है वही मोलिस माज मोल गो डाक्टर तमें खा दवा अगर यह बच्चे दवा खान माइनर नौ वह दह वह अमिस स्कूटी दिन अमिस मोटर सैकल दिन बेकिस लक्ट बच्चस यह हमेशा डिनाइल मोडस मज अब सब डिनाइल मोड में है कि नहीं पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन करता है कहाँ से करता है। यूट्यूब चैनल है 80,000-70,000 फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम में 10,000-20,000 फॉलोअर्स है, 5,000-5,000 फॉलोअर्स है, बाप कहता मुझे पता ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी ये तो शर्म की बात है जब आप ऐसी बात कहोगे कि हमें पता ही नहीं, हम जानते नहीं, हम हमारी जिम्मेवारी नहीं, तो फिर किसकी जिम्मेवारी? उसको बाइक किसने लाई? माइनर को बाइक किसने दी? स्कूटी किसने दी? पेरेंट्स ने दी। उसको पैसे कौन देता है? जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पैसे कौन देता है? मोल मोल इसका रत्न माइनर पैठे सुपर से तो फोन कर माले यह योत ये रेस्पॉन्सिबल आप लोग हो। अगर हम अब ये ड्राइव कर रहे हैं, इनको काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको चाहिए हमें अप्रिशिएट करना, पुलिस को अप्रिशिएट करना कि आप ये कर रहे हो। तो उसके बाद आप सॉरी से काम नहीं चलता, आप बोलो सॉरी सर नहीं होगा, मैंने रोटी लाने के लिए भेजा उसको, ये थोड़ी होता है। यू आर मोर रेस्पॉन्सिबल। देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने शुरू की थी। ज्यूरिंग विंटर्स हमने ज़्यादा इस पर काम नहीं किया कि मेजबान थे, बाकी सारा जो है तो ऑफ लेट मार्च में हमने शुरू सोचा था कि इसके काम शुरू करें, लेकिन एग्जामिनेशन की वजह से हमारा जो फोकस इमीडिएटली नहीं रहा, बट ऑफ लेट जब एक्सीडेंट्स का भी सिलसिला चलता रहा तो फोकस हमारा इमीडिएटली इस पर गया। हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी हमने क्लास ईयर भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो स्टैंड्स करते हैं, और इस साल हमने इसमें थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट लाई कि कौन कौन कहाँ कहाँ से कर रहा है। तो बाज़ाबता हमारे पास बाज़ाबता डेटा बेस है जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। 300 हमारे पास अभी जो है नंबर ऑफ सच बाइकर्स हैं जो स्टैंड कर रहे हैं या तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं। इसमें जो देखने वाली बात यह है कि मेजॉरिटी जो है इसमें ओवरऑल मेजॉरिटी वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये वैली का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से ये स्टंट करने के लिए श्रीनगर नहीं आते। तो अगर आपको दिखता है श्रीनगर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो इसका ये बेसिकली रीज़न है कि फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ये श्रीनगर आते हैं और यहाँ पे स्टंट्स करते हैं। सर रिपीटेड बेसिकली हम तो जो इसमें रिपीट ऑफेंडर्स हैं, तो एक तो हम देखेंगे इनके पास लाइसेंस है कि नहीं, और अगर ये उनके पास जो टू व्हीलर है या इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे जो फोर व्हीलर पर भी जाते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें व्हील मे बी विल राइट फॉर उसका जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो, और अगर किसी के पास लाइसेंस है उसका सस्पेंशन के लिए मैं वही आपको कह रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, बाकी जो है जितने बाकी भी रहते हैं विल आइडेंटिफाई एवरी वन। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं रिस्पॉन्सिबली चलाएँ, आपको ये 2-3 मिनट का की जो थ्रिल है इट इज़ नॉट वर्थ योर लाइफ। एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर इंजरी हो सकती है या डेथ भी हो सकती है,
برائے مہربانی اپنے آپ کو اس سچویشن میں نہیں ڈالو جو آپ زندگی پہ کل اس میں بہت بڑا امپیکٹ رہتا ہے یا ایون جان بھی جا سکتی ہے. اٹ از ناٹ ورتھ.